विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा घोषित एलएलबी प्रथम तृतीय एवं पांचवें सेमेस्टर के पूर्ण मूल्यांकन परिणाम के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि पूर्ण मूल्यांकन में बड़े अंक विश्वविद्यालय के शिक्षकों के ही गले नहीं उतर रहे हैं। तीनों सेमेस्टर के लिए करीब 500 आवेदन आए थे, जिनमें 80% परीक्षार्थियों के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात अंक बढ़े हैं। विक्रम विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार एलएलबी प्रथम तृतीय और पांचवें सेमेस्टर की प्रमुख परीक्षा के बाद हुए पुनर्मूल्यांकन में अधिक अंक बढ़ने की बात सामने आई है। तीनों सेमेस्टर परीक्षा में करीब 500 आवेदन पूर्ण मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय पहुंचे थे। आवेदन करने वाले करीब 80% छात्रों के अंक बढ़ चुके थे। किसी छात्र के एक प्रश्न पत्र में 30 तो दो प्रश्न पत्र में 50 से अधिक अंक बढ़े हैं। पूर्ण मूल्यांकन के पश्चात इतने अंक बढ़ने पर एक बात सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि मुख्य परीक्षा के बाद हुआ मूल्यांकन कार्य ठीक नहीं होने से ही पूर्ण मूल्यांकन में छात्रों के इतने अधिक अंक बढ़े हैं। इससे पहले भी पुनर्मूल्यांकन में 10 से अधिक अंक बढ़ने पर कुलपति पूर्व के मूल्यांकनकर्ताओं से सवाल जवाब मांग लेते थे। दूसरी बात यह भी सामने आई है कि मूल्यांकन ठीक हुआ है तो फिर उपकृत करने का खेल हो रहा है। विश्वविद्यालय की नियमों के में पुनर्मूल्यांकन कार्य की जिम्मेदारी कुलपति की होती है। कुलपति अपने अधीनस्थ गोपनीय विभाग से पुनर्मूल्यांकन कार्य कराता है। कार्य के दौरान मूल्यांकन सही होने पर ज्यादा अंक बढ़ते हैं तो थर्ड वैल्यूअर के पास उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए पहुंचाई जाती है। वहीं पहले वैल्यूअर से जवाब भी मांगा जाता है। कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि एलएलबी पुनर्मूल्यांकन में अधिक अंक बढ़े हैं। स्वयं इस संबंध जानकारी लेकर यदि कुछ गलत हुआ है तो कार्यवाही करूंगा। अभी मुझे संज्ञान में अभी आया है कि एलएलबी में रिवैल्यूएशन में कुछ ज्यादा नंबर बढ़े हैं। अभी हमारी नए की टीम चली जाए, अभी हमारा नया निरीक्षण चल रहा है, ये हो जाए तो मैं उसको पर्सनली उस प्रकरण को पूरी तरीके से देखता हूँ और उस पर संज्ञान में आया है तो मैं डेफिनेटली यदि कुछ गलत उसमें है तो उस पर मैं विचार करूँगा